हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और यहाँ पर सुंदरकांड की तैयारी हो रही है। आज सुंदरकांड का पाठ रखा है। आज सभी का बर्थडे है, 1 ईयर की सभी कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए आज सुंदरकांड का पाठ रखा है। बुआ आई हुई हैं और यहाँ पर माला बनाए जा रहे हैं, मंदिर की सजावट होगी। आप आगे देखेंगे कि आज शाम को बहुत सुंदर मंदिर सजेगा। हम लोग सभी का फर्स्ट बर्थडे है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ होना आवश्यक है। सुंदरकांड का पाठ हो या फिर रामचरितमानस का पाठ हो, और यहाँ पूजा के लिए हमें बुलाया गया, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे हनुमान जी की। और ये सभी के साथ है, हनुमान जी की पूजा करेंगे और इसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाएगा। अभी ॐ आ पवित्रो पवित्रावा सर्वापस्थाङ्गतोऽपि वा याय स्मरेत पुण्डरीकाञ्च सा बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ॐ आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। मंदिर की सजावट हो रही है और सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया है। हम प्रसाद लेके आए हैं, आंटी लोग सब लोग सहयोग कर रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरी फैमिली यहीं रहती है, कुछ लोग आ पाए हैं, सभी लोग नहीं आ पाए हैं। दी को बुलाया था, दी किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं। बुआ आई हैं, बुआ की बेटी आई हैं अंजू दी, और सुंदरगंगा पाठ मंदिर में हो रहा है क्योंकि कानपुर से आए हुए एक दिन का ही टाइम मिल पाया हमें, टाइम नहीं मिल पाया है, इसलिए ज़्यादा तैयारियां नहीं कर पाए हैं। और सभी का ये था कि 1 ईयर की हो गई हैं, हमें सुंदरकांड का पाठ करवाना है और मेरी हेल्प भी कर रही है अंजू दी, पनीर बना रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी।
और बुआ हम यहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कि गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं 2 पार्ट में डालूंगी। ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें आप लोग देखेंगे सुंदरगन का पार्ट हो रहा है, और सेकेंड पार्ट में आप लोग देखेंगे हवन, आरती, प्रसाद का वितरण, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और जय श्री राम। इन्होंने बहुत सुंदर सजाया है मंदिर को, और ये देखिए बहुत सुंदर सजा हुआ है। पाठ में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और इसके बाद हवन, आरती, प्रसाद का वितरण होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। जन्मदिन पे अपने बच्चों को, फर्स्ट बर्थडे पे या फिर हर बर्थडे में हो जाए तो भगवान का पाठ बहुत अच्छा है। आप रामचरितमानस का पाठ करा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो हनुमान चालीसा का पाठ ही हो जाए, लेकिन होना चाहिए, बहुत अच्छा है। और सभी 1 ईयर की हो गई हैं, सभी को सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ संपन्न हो गया है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, यानी कि इसके बाद ही आरती हवन होगा। गाइज आगे का ब्लॉग आप सेकेंड पार्ट में देखिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जय श्री राम।